भगवान कन्हैया ने इंद्र का पूजन न करवा कर गिरिराज महाराज का पूजन करवाया। भगवान कन्हैया एक रूप से सभी को दर्शन दे रहे हैं और एक रूप से भगवान कन्हैया भोग लगवा रहे हैं और खुद भोग लगा रहे हैं। पूजन हो गया। इंद्र को ये खबर मिलती है कि हमारा पूजन नहीं करवाया। इंद्र ने बादलों को इशारा दिया और कहा जाओ वृंदावन पर जाकर के इतना बरसो, जो वृंदावन जरा भी दिखाई ना पड़े। अब तो काले नीले बादल वृंदावन के ऊपर आ रहे हैं। इतनी तेजी से वर्षा हुई, इतनी तेजी से वर्षा हुई, सभी लोगों में तरह तरह मच गई। कन्हैया अब क्या करोगे, क्या होगा? भगवान कन्हैया ने उसी समय शेमनी पर गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज महाराज की। सभी ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आकर के बैठ जाते हैं। सभी ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया जरा इसे ढंग से साधना, क्योंकि ये बहुत भारी है, कहीं ये गिर ना जाए। लगातार 7 दिन तक वर्षा होती रही, लेकिन इंद्र ने वृंदावन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। गोवर्धन इतना गर्म हो गया, कोई भी बूंद आती है और भाप बनकर चली जाती है। लगातार 7 दिन तक वर्षा होती रही। अंत में ये इंद्र हार मान कर आया, कन्हैया से क्षमा मांगी है और ये इंद्र वहां से वापस हुआ। बोलिए भक्त वसल भगवान की। उसके बाद सब ब्रजवासी लौट कर अपने अपने घर के लिए आते हैं। भगवान कन्हैया ने गोपियों के चीर चुराए, गोपियों को ज्ञान दिया। सभी गोपियों ने कन्हैया से कहा था कन्हैया आप हमारे साथ में महाराज जरूर करना। भगवान कन्हैया ने सभी गोपियों के साथ में महाराज किया। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि गोपियों ने हमसे कहा था कि हमारे साथ में महाराज करना। भगवान कन्हैया ने पूर्णिमा के दिन यमुना के किनारे अपनी बंसी को बजाना प्रारंभ किया। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपनी मुरली बजाई, मुरली की आवाज गोपियों के कानों में पहुंची। मुरली की आवाज को सुनकर गोपियों को यह मालूम नहीं रहा कि आखिरकार हम कर तो कर क्या रहे हैं। बंसी की आवाज को सुनकर उन्हें यह मालूम नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। कोई श्रृंगार कर रही है, कान की चीज नाक में पहनी, नाक की चीज कान में पहनी, यही पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं।
कई भोजन बना रही हैं। वो रोटी लेके कन्हैया के पास पहुंच गई, लिखा ओ लटे सीधे गहने पहने साड़ी लपेटली कहने को बहुत तेरा रोका पतियों ने राजी न भई घर रहने को। पतियों ने बहुत रोका मगर जब सच्चा पति आ गया है तो उस पति की बात कौन सुनेगा। ये सब गोपियाएं कन्हैया के पास पहुंची, महाराज होने लगा। ध्यान दें, महाराज को देखने के लिए देवियां भी भेष बदल बदल कर महाराज देखने आ रही हैं। इंद्राणी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी, कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली। भोले बाबा ने कहा कहाँ चल रही आधी रात के समय छोड़ के हमें। पार्वती बोली अभी आप जग ही रहे हो, मैंने सोचा कि सो रहे होंगे। भोले बाबा बोले कहाँ जा रही हो। पार्वती बोली मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं महाराज देखने जा रही हूँ। महाराज कौन कर रहा है? बोले कन्हैया कर रहे हैं वृंदावन में यमुना के किनारे, और सब देवियां जा रही हैं तो मैं भी जा रही हूँ। भोले बाबा बोले तुम जा रही हो तो महाराज देखने हम भी चलेंगे। पार्वती बोली चुप रहो। क्यों? वहां पर केवल नारियां ही जाती हैं, नरों का वहां कोई काम नहीं है। और क्षमा करना, हम आपको वहां नहीं ले जाएंगे। भोले बाबा ने कहा देखो पार्वती चाहे कछु करो लेकिन हमें महाराज जरूर दिखाओ। पार्वती ने कहा कि अगर महाराज देखना है तो महाराज देखने के लिए नारी बनना पड़ेगा, साड़ी पहननी पड़ेगी, श्रृंगार करना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा वो हम सब करने को तैयार हैं लेकिन आप हमें महाराज दिखाइए। पार्वती ने भोले बाबा को अपनी साड़ी पहनाई, अपना श्रृंगार कराया। साड़ी पहन कर भोले बाबा खड़े हुए, अब घूंघट मार लिया। हेलो, अब कितना घूंघट मारे क्योंकि दाढ़ी भोले बाबा की बहुत लंबी थी। पार्वती बोली ऐसा करो तुम महाराज देखने ना जाओ क्योंकि तुम्हारी नीचे दाढ़ी दिख रही है और अगर वहां पे कहीं दिख गई तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, हम तुम्हें नहीं लेके जाएंगे। भोले बाबा ने कहा छोटी छोटी बात पर ऐसी बात नहीं करते हैं। भोले बाबा ने इतना घूंघट मार लिया ताकि दाढ़ी दिखाई ना पड़े। अब आगे आगे पार्वती जी, पीछे पीछे भोले बाबा। महाराज के मुख्य गेट पर पहुंचे, अब वहां पर एक बीमारी खड़ी हो गई। क्या? महाराज के गेट पर एक गोपी बैठी हुई सभी सभी का नाम लिख रही थी। ये इंद्राणी है, ये ब्रह्माणी है, ये लक्ष्मी जी है। पार्वती का नंबर आया तो रोक दिया, खड़ी हो जाओ, ऐसा करो अपना नाम बताओ, अपने पति का नाम बताओ तभी तुम अंदर जाओगी। तो पार्वती ने अपना नाम बताया, भोले बाबा का नाम बताया। बोले ठीक है अब आप अंदर चली जाइए। पार्वती को अंदर किया। अब पार्वती के बाद अब किसका नंबर आया? किसका आया? भोले बाबा का। अब भोले बाबा साड़ी पहने खड़े हैं तो गोपी बोली भोले बाबा से सखी श्री राधे अपना नाम बताइए, अपने पति का नाम बताओ। अब भोले बाबा बताएं तो बताएं कैसे, कुछ कहेंगे तो पोल खुल जाएगी।
पार्वती बोली मर गए, हमने इनसे पहले ही मना करी थी, हमारे साथ मन चलो, लेकिन खून के प्यासे संग ही चले आए, अब मैं कहा करूं। गोपी ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं देता, अरे मैं आपसे पूछ रही हूं, अपना नाम बताओ, अपने पति का नाम बताओ, तभी आप अंदर जाओगी। पार्वती बोली अब साथ में लेके आए हैं तो झेलने भी हमें ही पड़ेंगे। पार्वती ने सखी से कहा श्री राधे देखिए एक विशेष सूचना। हेलो, हाँ देखिए जागा सरकार की कृपा है, पता नहीं ये किस किस का गला पकड़ते हैं, इनकी लीला का पता नहीं ये क्या करते हैं। देखिए एक पर्ची आई है और एक विशाल हॉल बनने के लिए आई है, यहाँ जागा सरकार